1857 की क्रांति के कारण आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, सैन्य कारण। आर्थिक कारण। ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति भारतीय उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी। कच्चे माल से मशीनों से ज्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर हमारे देशवासियों को ऊंचे मूल्य पर बेचते थे। ऊंचे दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग प्रभावित हुआ। भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई। अंग्रेज शासकों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया। अकाल तथा गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था। राजनैतिक कारण। भारत की राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप से अंग्रेजों के हाथ थी, फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत देशी राज्यों को किसी न किसी बहाने ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाता था। अंग्रेजों द्वारा जमींदारों तथा तालुकेदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। उन्हें मनमानी लगान वसूलने की छूट मिली। ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी करती थी। इन सभी कारणों से भारतीयों में असंतोष था। सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। ईसाई मिशनरी हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करने लगे तथा हिंदू धर्म तथा इस्लाम की खुली निंदा करने लगे। पाश्चात्य शिक्षा दिलाना भारतीयों को ईसाई बनाने की अंग्रेजों की चाल समझे जाने लगी। सन 1850 में कंपनी ने एक कानून पास किया, जो ईसाई हो जाएगा उसे पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा आदि कारण। सैन्य कारण। सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था। वेतन एवं सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा कम थी। अंग्रेजों ने नई राइफलों का प्रयोग किया, जिसमें लगाए जाने वाले कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगे होने की अफवाह फैली। इससे हिंदू मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और इस बात ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में चिंगारी का काम किया।